सके। हम आपके बीच में एक टीम के रूप में आना चाहते थे, लेकिन कुछ हमारे जो जवान जो हमारे साथ जुड़े हैं किसी कारणवश हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज मैं और मेरे सहकर्मी प्रीति और हमारे तीनों बच्चे हम लोग की परिवार के रूप में आपके बीच में हैं, और हम यूथ फॉर क्राइस्ट जो सेवकाई है उसमें क्या करते हैं वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। और हमारी यही इच्छा है कि हर जवान जहाँ कहीं भी पाया जाता है वो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे और उसके पीछे चलने वाला शिष्य बने। तो मैं निवेदन करूँगा प्रीति से कि वो सामने आए और यूथ फॉर क्राइस्ट की सेवकाई क्या है उसको आपके साथ बांटे, और फिर हम लोग एक एक गीत आपके बीच में गाएंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। आज सच में मेरे बहुत आनंद कर रहे हैं कि आपके मध्य आ सकी। आप बहुत सारे जान पहचान वाले चेहरे दिख रहे हैं, जवान और मेरी बहनें जिनको हम अपने CNI के विभिन्न कार्यक्रम में मिले हैं। मैं यूथ फॉर क्राइस्ट की एक कार्यकर्ता हूँ। यूथ फॉर क्राइस्ट एक आंदोलन है जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, और ये आंदोलन सन 1947 से और उस समय शुरू हुआ, और विभिन्न विश्व के विभिन्न देशों में ये आंदोलन चल रहा था। जवान लोग एकजुट होकर के प्रार्थना सभाएं कर रहे थे और प्रभु के वचन को पढ़ने में लौलीन थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ऐसी प्रार्थना सभा दूसरे देशों में भी हो रही है। लेकिन एक ऐसा विश्व मीटिंग हुई जहाँ पे सारे एकत्रित हुए और सबको जान करके अचंभा हुआ कि अच्छा सारे विश्व में जवान मिलकर के ये प्रार्थना सभा चला रहे हैं। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हम इस आंदोलन को यूथ फॉर क्राइस्ट का नाम देंगे, और फिर यूथ फॉर क्राइस्ट जो है भारत में 1948 से शुरू हुआ कलकत्ता में, और ये आंदोलन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है। 120 देश इस आंदोलन में सम्मिलित है, लेकिन सब अपने अपने देशों में अलग रीति से अपनी सेवकाई करते हैं। भारत में इंडिया यूथ फॉर क्राइस्ट के नाम से हम जाने जाते हैं। हमारे 41 सेंटर्स हैं और हम भारत के विभिन्न प्रांतों में हैं, और सारे 41 सेंटर्स जो है वो बच्चों को जवानों के मध्य में बांटने में लौटी है। यूथ फॉर क्राइस्ट का ये मिशन है कि हम कलीसिया के साथ विभिन्न कलीसियाओं के साथ मिलकर के जवानों को प्रभु के वचन पढ़ने में, उसके शिष्य बनने में और प्रभु के पीछे निरंतर चलते रहने में हम उन्हें उनकी अगुवाई करें, उनकी सहायता करें। हमारी बुलाहट है कि हम जितने भी जवानों को हम जानते हैं हम उनको मसीह के प्रेम से अवगत करा सकें, और मसीह के प्रेम में जब वो पाए जाए तो उसके वचन में दृढ़ हो, प्रभु के शिष्य बने और पूरे जीवन समर्पित करके प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े, अपना जीवन प्रभु के लिए जिए, ये हमारा उद्देश्य है। यूथ फॉर क्राइस्ट हम 5 रीति से कार्य करते हैं। फर्स्ट इज इवेंजेलिज्म, सुसमाचार का प्रचार करना, जहाँ पे जवानों को सुसमाचार के बारे में पता नहीं है या वे अभी यंग हैं, जवान हैं, तो हम उन्हें सुसमाचार के बारे में बताते हैं, प्रभु के वचन का ज्ञान कराते हैं। दूसरा है डिसाइपलशिप, शिष्य बनाना। हम ऐसे जवान जो प्रभु को व्यक्तिगत रीति से जान गए हैं, उन्हें उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, उनको अब एक शिष्य के रूप में कैसे आगे बढ़ना है, वचन पढ़ने, प्रार्थना करने, मनन करने, संगति करने और गवाही देने का जीवन हम अपने जवानों को सिखाते हैं। तीसरा है लीडरशिप ट्रेनिंग, अगुओं की हम तैयारी करते हैं कि कैसे जो जवान हमारे बीच में आते हैं, हमारे साथ सम्मिलित होते हैं, उनको हम वापस कलीसिया में भेज करके कलीसिया का एक स्तंभ बनने की प्रेरणा देते हैं, ताकि वो जाए और अपना योगदान अपनी कलीसिया में दे। यूथ फॉर क्राइस्ट कोई कलीसिया नहीं है, ना ही हम जवानों को कलीसिया में आने से अपने पास सीमित करते हैं, परंतु हम उन्हें इक्विप करके वापस कलीसिया में भेजते हैं
कि वो कलीसिया में जाकर के कलीसिया के लिए स्तंभ बन सके। और चौथी बात हम ये देखते हैं कि हम यूथ फॉर क्राइस्ट में सोशल इन्वॉल्वमेंट, सामाजिक रीति से हम जवानों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो सेंसिटिव हो, जो हमारी जरूरत है समाज में लोगों को उसके बारे में वे बोझ रखें ताकि वे दूसरों को भी प्रभु का प्रेम बांट सकें। पांचवी चीज, हमारी एक म्यूजिक टीम है जो हम म्यूजिक के द्वारा जवानों को हम प्रेरणा कर देते हैं कि वो प्रभु के संगीत में आगे बढ़े। संसार में बहुत सारे संगीत हैं जो हमें लुभाते हैं, लेकिन प्रभु की स्तुति आराधना करना एक ऐसा समय है, एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा अवसर है जहाँ हम प्रभु के महिमा को, प्रभु के अनुग्रह को और उसके आशीष को बहुत आय से पा सकते हैं। और म्यूजिक एक ऐसा जरिया है जहाँ पे जवान जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। और क्योंकि संसार हमें बहुत सारे म्यूजिक देता है, हम शायद क्रिश्चियन म्यूजिक से अवेयर नहीं है, अवगत नहीं है, लेकिन हमारे भारत में ही विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न तरीके से बहुत सुंदर मसीही गाने गाए जाते हैं। और हमारा यही बोझ है कि हमारे बच्चे जो है, जवान जो है, वो मसीही गीत गाने, उसको सुनने, लिखने और उसकी प्रभु की महिमा के लिए अपने तोड़ों को इस्तेमाल करने के लिए अपना जीवन समर्पित करें। तो ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री यूथ फॉर क्राइस्ट हम करते हैं। दिल्ली ट्रांसियमना जो हमारा सेंटर है मयूर विहार में, उसमें जोसेफ जो है वो हमारे डायरेक्टर हैं और मैं नेशनल स्टाफ हूँ। हम दोनों वहाँ 18 साल से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मैं अपनी बुलाहट के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि प्रभु ने मुझे 9वीं कक्षा में अपना दर्शन दिया और मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया। और मेरी इच्छा यही थी कि जब मैं बड़ी हूँ तो प्रभु की सेवकाई करूँ कुछ ना कुछ तरीके से। और जैसे मैं बड़ी हो रही थी, कॉलेज गई, तो मेरी इच्छा थी कि मैं आर्मी में चली जाऊँ। और मैं ये सोची थी कि जो भी मैं अर्न करूँगी उसमें से कुछ हिस्सा प्रभु की सेवकाई के लिए दूंगी और प्रभु के राज्य में योगदान दूंगी। लेकिन जब मैं एमए कर रही थी, अब मेरे फाइनल ईयर में, प्रभु ने मुझे सेवकाई की बुलाहट दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सेवकाई के लिए बुलाना चाहता हूँ, पूर्ण रीति से मेरे लिए अपना जीवन समर्पित करना। और जब मैंने अपना ये बुलाहट अपने पिताजी के साथ शेयर किया तो वो पहले बहुत नाराज तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो सहमत नहीं थे क्योंकि मैं एक लड़की थी शायद, और उनका ये मानना था कि सेवकाई बहुत कठिन है और शायद तुम नहीं कर पाओगी। तो मैंने पापा से बोला, पापा प्रभु ने मुझे बुलाहट दी है, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगी कि प्रभु आपके हृदय को तैयार करें। और मैं अपना एमए खत्म करी, एक साल स्कूल में पढ़ाया मैंने, और मैंने 2 साल निरंतर प्रार्थना करी, प्रभु जी आपने बुलाया है और अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरे पिताजी के हृदय को तैयार करिए। और 1-2 साल के पश्चात मेरे पिताजी को एक बड़ा हार्ट अटैक आया और प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से उन्हें बचाया। और सितंबर में उनको हार्ट अटैक आया था, नवंबर में मुझे फॉर्म भरना था और मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु यही समय है जब मैं फॉर्म भर सकती हूँ, 2 साल हो गए हैं, मेरे को हिम्मत दीजिए कि मैं पापा से बात करूँ। और मैंने प्रार्थना करके पापा से बोला कि पापा मुझे सेवकाई के लिए जाना है, क्या मैं कॉलेज का फॉर्म भर दूँ। पापा ने बिना कुछ किए बोला ठीक है, भर दो। सो इस रीति से प्रभु ने मेरे द्वार खुला, मेरा कॉलेज फीस, मेरा रहना, हर चीज का अरेंजमेंट प्रभु ने किया। और प्रभु ने जब बुलाहट दी है तो कोई विश्वास योग्य प्रभु है। यूबीएस में मैं यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में पढ़ी, जहाँ जोसेफ भी पढ़ रहे थे, और वहाँ पे मैंने यूथ ऑफ क्राइस्ट की सेवकाई के बारे में जानकारी हासिल करी। एक अगुवे आए थे जिन्होंने आकर के बताया कि यूथ ऑफ क्राइस्ट कैसे जवानों के मध्य में कार्य करता है। और जब प्रभु ने मुझे बुलाहट दी थी तो मुझे यही आनंद के साथ बुलाहट दिया था कि जिस तरह से मैंने अपने जवानी में प्रभु को जाना है, उसी तरह से मैं बहुत सारे जवानों को प्रभु के बारे में बता सकूं, प्रभु के सुसमाचार को सिखा सकूं,
क्योंकि जो आनंद मैंने पाया है प्रभु को पाकर के, वो आनंद मैं दूसरे जवानों को भी बांट सकूं। और यूथ फॉर क्राइस्ट में जब मुझे मिला पास्टर से रिटायर करने का 2008 में, जब हम मयूर विहार आए, प्रभु ने हमें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया है। प्रभु विश्वासियों की प्रभु है। यूथ फॉर क्राइस्ट जो है वो विभिन्न रीति से जवानों के मध्य में सेवकाई करता है। हम बाइबल स्टडी देते हैं, गर्ल्स और बॉयज के लिए सेमिनार होते हैं, कैंप होते हैं, रिट्रीट्स होते हैं। हमारे टैमी क्लब्स हैं, टीन्स एंड ट्वेंटीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब जवान बच्चे ही हैं, उसी समय अगर हम उन्हें प्रभु के प्रेम से अवगत करा दें तो वो कभी पीछे नहीं देखते। ये हम सबकी गवाही अपने जीवन में हम रख सकते हैं। और प्रभु ने हमें स्कूल में भी इस्तेमाल किया है, विभिन्न संस्थाओं में इस्तेमाल किया है, जहाँ हम जाकर के प्रभु के वचन को बांटते हैं। यूथ फॉर क्राइस्ट एक इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम अपना जो है सपोर्ट खुद रेज करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो है हम, परंतु सब देश और खासकर के देश में भी सारे सेंटर अपना जो है सपोर्ट सिस्टम खुद रेज करते हैं, स्थानीय कलीसिया के साथ, स्थानीय संस्थाओं, स्कूल और एक समान दर्शन रखने वाले लोगों के साथ मिलकर के यूथ फॉर क्राइस्ट अपनी सेवकाई करती है। और हम धन्यवाद देते हैं कि मयूर विहार नोएडा एनसीआर रीजन में प्रभु ने ऐसे बहुत सारी कलीसियाओं को, लोगों को, संस्थाओं को हमारे साथ जोड़ा है, जो हमारे साथ दर्शन रखते हैं कि जवानों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाए और यूथ फॉर क्राइस्ट के साथ साथ काम करते हैं। हमारी जो कार्य करने का तरीका है वो हम मेनली वॉलेंटियर्स पर भरोसा रखते हैं। हमारे जो जवान हैं जो वॉलेंटियर के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं, वे ही हमारे सेवकाई में हमारे साथ सहयोग देते हैं। हमारे म्यूजिक टीम में शामिल है वो, हमारे वचन प्रचार में भी वो शामिल होते हैं। हमारी एक लोकल कमेटी है जो हमें अपनी अगुवाई देती है कि हम किस तरह से जवानों को और इम्पैक्टफुली रीच कर सकें और प्रभु के वचन का प्रचार कर सकें। अगर प्रभु आपकी अगुवाई करता है तो आप भी हमारे लिए वॉलंटियर के रूप में आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी कमेटी में शामिल हो सकते हैं। प्रभु ने अगर आपको जवानों के लिए बोझ दिया है तो हमारे साथ अवश्य जुड़े, हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम जो सेवकाई कर रहे हैं उससे प्रभु की महिमा हो, प्रभु के राज्य में दृढ़ता आए और जवानों के दिलों को प्रभु कायल करें कि हम एक बिदारी को देख सकें और प्रभु के दूसरे आगमन तक हम अपने जवानों को और मजबूत बना सकें। आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों को जानते हैं तो आप यूथ फॉर क्राइस्ट के बारे में उनसे बताएं ताकि वो हमसे जुड़े और हम सब मिल करके प्रभु के एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जवानों को, हम प्रभु के वचन में और प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में दृढ़ कर सकें। इस साल हमने अपने सेवकाई के 18 वर्ष पूरे किए और प्रभु ने हमको एक वर्स दिया था, वो पाया जाता है साम 71 वर्स 17 एंड 18। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। Since my youth, God, you have taught me, and to this day I declare your marvelous deeds. Even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. प्रभु ने हमें अपनी जवानी में चुना, जोसेफ और मुझे अपनी सेवकाई के लिए, और हमारा यही बोझ है कि प्रभु जी, जब तक हमारे बाल ग्रे ना हो जाए, बूढ़े ना हो जाए, आपकी सुलाहट को भूले ना, और जितने जवानों को हम आपके वचन के बारे में, आपके प्रेम के बारे में बता सकते हैं, प्रभु जी उतने समय तक हमारी सहायता करें ताकि हम आपके नाम को और ऊंचा उठाएं। प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब, पास्टर कमेटी और सारी कलीसिया को कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आकर के यूथ फॉर क्राइस्ट के बारे में आपसे बातचीत कर सकें, अपनी सेवकाई के बारे में बता सकें। आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना करें, हमारे साथ जुड़ें और प्रभु के राज्य में साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।
किए हैं अपने सेवकाई के क्षेत्र में 15 years. You'd like to give Pastor acknowledgement and a thank you from our center by presenting a plaque. Pastor, can you please come forward? आपके सामने गीत गाना चाहेंगे, शायद आपको ये गीत आता हो तो हमारे साथ प्लीज ज्वाइन करें। ये गीत यही कहता है कि प्रभु जी मेरा कटोरा उमड़ रहा है और मेरा हृदय धन्यवाद से परिपूर्ण है। यह नया वर्ष प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है और इस नए वर्ष में प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके मध्य आ सके और अपने सेवकाई को बांट सके। और यही निवेदन है कि प्रभु जी इस नए साल में ये कटोरा हमेशा उमड़ता रहे और हमारे मुख से आपकी स्तुति और आराधना हमेशा होती रहे।